दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हरियाणा के हिसार के कृषि मेले में हूं और ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी का स्टॉल है और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये स्टॉल है। इस स्टॉल पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मशरूम की खेती कैसे करें, कम खर्चे पर बढ़िया खेती, बढ़िया रोजगार, बढ़िया मुनाफा कैसे कर सकते हैं आप अच्छी मशरूम की खेती। हरियाणा के हिसार कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके स्टॉल पर हम उनसे बातचीत करते हैं और पूरी करते हैं पड़ताल मशरूम की खेती की। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से पहले तो आप देखिए, सभी दर्शकों भाइयों का, किसान भाइयों का नमस्कार। आज मैं डॉक्टर जगदीप सिंह मशरूम वैज्ञानिक आपको बताना चाहूँगा कि मशरूम की खेती कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मुख्य बात ये आती है कि हम मशरूम की खेती क्यों करें। जी डॉक्टर साहब इसकी क्या महत्व है? देखिए आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि किसान भाई जो अपना कृषि अवशेष है उसको जला देते हैं और उसका अच्छे से समाधान नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिससे कि वातावरण दूषित होता जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हम ये बताना चाहें किसान भाई को उस कृषि अवशेष को जो 600 मिलियन टन हर साल हमारा कृषि अवशेष पैदा होता है उसका अच्छे से इस्तेमाल करके हम उस पर अच्छे स्वादिष्ट भोजन वाली खुम्ब उगा सकते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे वातावरण वाली समस्या है उससे भी हम निदान पा सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि उस कृषि अवशेष को जलाने की बजाय उस पर आप खुम्ब की खेती कीजिए। खुम्ब की खेती सामान्यतर हमारे देश में जो सफ़ेद बटन खुम्ब की मुख्य रूप से उगाई जाती है और उसके साथ साथ डिंगरी खुम्ब भी जो गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है और उसके साथ साथ सफ़ेद दूधिया खुम्ब भी ली जा सकती है। मतलब सामान्य तौर पर मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने कृषि अवशेष से पूरे साल भर में मशरूम की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने जो बेरोजगार युवक है, माता बहने हैं, उनके लिए भी रोजगार का ही अच्छा साधन है। डॉक्टर साहब पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मशरूम जो है कितने प्रकार की होती है और कहाँ देखिए किस किस तरह में, पहले हम यह मशरूम की देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मशरूम है वो मुख्यतः जो हमारे देश में उगाई जाती है वो चार तरह की होती है। सबसे ज़्यादा उगाने वाली जो बटन जो सफ़ेद बटन खूंब होती है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, जो अक्टूबर से लेकर के मध्य फरवरी तक उगाई जा सकती है, सफ़ेद बटन खूंब होती है। हाँ फिर उसके बाद डिंगरी खूंब आती है जो गर्मी के मौसम में किसान भाई आसानी से उसको उगा सकता है। इसके साथ साथ भी जब तापमान ज़्यादा हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है जब सफ़ेद दूधिया खूंब की खेती भी की जा सकती है जो बिल्कुल समान है सफ़ेद बटन मशरूम की तरह है, लेकिन फ़र्क इतना सफ़ेद बटन मशरूम की खेती है जो सर्दी ऋतु में की जाती है और सफ़ेद दूधिया खूंब की जो खेती है वो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। 35 डिग्री सेल्सियस तब भी किसान भाई आसानी से कर सकता है। तो इसलिए सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे साल भर किसान भाई कृषि अवशेष का उपयोग करके खूंब की अच्छी पैदावार ले सकता है और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन ले सकता है और कृषि अवशेष आसानी से निदान पा सकता है जिससे हमारा वातावरण भी साफ सुथरा रह सकता है। डॉक्टर साहब कोई भी यदि किसान भाई या कोई बेरोजगार भाई यदि इसकी खेती करना चाहता है मशरूम की तो उसको सबसे पहले क्या क्या मूलभूत आवश्यकता है उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले जब किसान भाई से खेती करना चाहता है मैं उसे यह अवगत कराना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय से जो खुम्ब उत्पादन पर ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहले वो ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग में उन सभी बातों को उन सभी विषय पर आपको बताया जाएगा कि खुम्ब की खेती कैसे करते हैं, कौन कौन सी खुम्ब उगाई जाती है, किस मौसम के आधार पर कौन सी खुम्ब उगाई जाती है। तो ये ट्रेनिंग कब होती है आपके यहाँ विश्वविद्यालय में? हमारे विश्वविद्यालय में जो साइना नेवाल ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंदर मशरूम की खेती के बारे में ट्रेनिंग हर महीने में दो ट्रेनिंग होती है। अच्छा, हर महीने हर किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा जब भी वो ट्रेनिंग करने के इच्छुक है अपने यहाँ पर आकर अपना पंजीकरण कराएं। जब भी किसान भाइयों की संख्या 25 से 30 हो जाएगी उसको फोन के माध्यम से उसको सूचना भेज दी जाएगी कि अब आपकी मशरूम के ऊपर ट्रेनिंग की जा रही है, आप आकर के ट्रेनिंग कीजिए। तो किसान भाई फोन पर ऑनलाइन भी आपके यहाँ पंजीकरण करा सकते हैं क्या? किसान भाई फोन पर यहाँ पर डॉक्टर सतीश मेहता जी है हमारे जो साइना नेवाल ट्रेनिंग सेंटर में बैठते हैं, वहाँ पर अपने फोन पर अपना पंजीकरण आसानी से करा सकते हैं। बता दीजिए डिपार्टमेंट का या डॉक्टर साहब का कोई नंबर, किसान भाई पूरे देश में यहाँ आना संभव नहीं है पहले से बुकिंग। देखिए किसान भाई अगर कोई ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण कराना चाहता है तो मैं इस समय अपना नंबर दे सकता हूँ। जी बता दीजिए। मैं सहायक वैज्ञानिक जो खुम्ब इकाई है हमारे पादप रोग विभाग की मैं उसमें कार्यरत हूँ। मैं अपना जो मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ 90509 36274।
90509 36274, सभी किसान भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे को अपना पता अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं, उससे कि मैं आपका कुंभ की जो ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए उसका पंजीकरण करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा और सुना कि जो भाई खेती करना चाहते हैं मशरूम की, हिसार विश्वविद्यालय में निःशुल्क ट्रेनिंग की जाती है और दी जाती है, महीने में दो बार दी जाती है। किसान भाई ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, डॉक्टर साहब का नंबर मैंने दिया भी है और कुछ जानकारी और भी करते हैं कि इससे मुनाफा कैसे होता है और कैसे इसका उत्पाद है उसको बाजारों में बेचा जाता है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, दर्शकों की ओर से नमस्कार। मैं विभागाध्यक्ष पादप रोग जी जी डॉक्टर साहब, तो मैं डॉक्टर आवास सिंह सारन। जब आप ये पूछ रहे थे भाई ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है, तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में तो साइना नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें तो होती ही होती है। इसके साथ साथ जितने भी हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ मशरूम की दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो होती है SC कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए, जो जिनके पास जमीन नहीं है वो भी कुंभ उत्पादन की खेती कर सकते हैं। हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें हम इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें हमें कुछ सामग्री भी देते हैं। अच्छा, तो सामग्री देते हैं जैसे कंपोस्ट दे दिया, सपान दे दिया, तो वो अपना काम करता है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, कि ये जो इसकी खेती है, इसके हम जो बेड बनाते हैं या जिसके जो बनाते हैं हाउस बनाते हैं, वो कितने कितने साइज के बनाते हैं और किस साइज के हाउस से क्या आमदनी किसान ले सकता है? इसमें आप देख रहे होंगे हमारे जी। दो तरह के हाउस हैं, दो तरह के हाउस हम देख रहे हैं। अंदर आप दिखा भी सकते हो इसको, हाउस आपका कम लागत का कम लागत का है और ये दूसरा आपका वो कवर्ड है। कवर्ड है, जैसे जितना भी धान का एरिया है, धान की पराल से ये बनाया हुआ है, धान की पराल से बनाया गया है। जी 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 जी। और इसमें ये कम लागत का है और जो इन्वायरमेंट हम मेंटेन करते हैं जी जी जी। वो इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये किस समय में इसको टेम्परेचर, किस समय, ये बरसात के समय में काम करेगा, जाड़े के समय में काम करेगा, कब करेगा ये जो? नहीं, ये हर मौसम में करेगा, क्योंकि अच्छा। मौसम के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह की हम जैसे ये दिखा रहे हैं ना जी 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 जी। जैसे मिल्की मशरूम है, वो बटन है उस साइड में, कई तरह की है, तो पूरे साल इसका चक्कर चलता है जी जी जी। आगे बारिश में तो ये सब, ये नहीं नहीं, बारिश में इसमें क्या है कि ऊपर हमें वो डाल देते। अच्छा, जब प्लास्टिक पॉलिथीन डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो है इसमें तो कम खर्चा है, तो उत्पादन क्या किस हिसाब से मिल जाता है? उत्पादन आप अगर इसमें एक रुपया लगाते हो ना जी, सारा खर्चा निकाल जी 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 जी, तो दो रुपए मिलेंगे। कहीं कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो डबल मुनाफा देता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक लगाओ दो मिलेंगे, दो मिलेंगे। अच्छा अच्छा, और बाजार कैसा, क्या स्थिति है मशरूम की? बाजार जब तक जब कोई हमारी सब्जी लगाओ, एक तरह की है जी 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 जी, फ्रूट लगा लो, सब्जी लगा लो, जब ये रेडियो पे आ जाता है ना, तो मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गली गली रेडियो घूमती है, उस पर मशरूम मिलेगी आपको जी 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 जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा मेरे साथ हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष मौजूद हैं और डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि इस मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आप एक रुपया लगाएं और दो रुपये कमाएं। तो दोस्तों, ये अच्छे लिए अच्छा मुनाफा हो सकता है। कम पढ़े लिखे या बेरोजगार लोग हैं किसान भाई, जो हमारे गांव देहात में अपने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वह पुआल के घर बना सकते हैं या लकड़ी के घर बना सकते हैं या पुराने जिनके घर मकान खाली हो गए हैं। दोस्तों, शहरीकरण हो रहा है और गाँव के लोग मकान छोड़ करके, अपने घर छोड़ करके, माटी को छोड़ करके शहरों में बस रहे हैं, वहाँ मकान दुकान बना रहे हैं। उन लोगों के मकान गाँव में खाली पड़े हुए हैं, उन मकानों में आप मशरूम की खेती करके ठेके पर लेकर उन मकानों को, खाली पड़े मकानों को बहुत अच्छा मुनाफा मशरूम की खेती में कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हम नंबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिनसे आप मशरूम की खेती के बारे में अच्छी तरह से परंगत और कुशल हो सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, हिसार कृषि मेले से, धन्यवाद, नमस्कार।